हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, धीरे धीरे इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है। पिछले साल कोरोना वायरस होने के बावजूद इंडिया में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हुई, जिनमें से एथर 450X 2020 की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बनी। लेकिन इस साल ये कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि 2021 में हमें काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में देखने को मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम टॉप 10 अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बातें करेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो में एंड तक बने रहना। नंबर 10, हीरो AE75। इस स्कूटर में 1200 वॉट का इलेक्ट्रिक हब मोटर यूज में लिया जाएगा। 55 किलोमीटर इस स्कूटर की टॉप स्पीड होने वाली है। इसकी लिथियम आयन बैटरी 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगी। ये डिटैचेबल बैटरी होने वाली है, जो कि फुल चार्ज में 80 किलोमीटर तक का रेंज देगी। 80,000 रुपीज़ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है और ये इस साल मार्च मंथ में लॉन्च हो सकती है। नंबर 9, हीरो AE8। यहाँ पर 250 वाट का मोटर यूज में लिया जाएगा। 25 किलोमीटर इस स्कूटर की टॉप स्पीड होने वाली है। इसकी बैटरी 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगी और अप टू 80 किलोमीटर तक का रेंज देगी। ये एक लो स्पीड कैटेगरी की इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसके लिए ना ही लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और ना ही रजिस्ट्रेशन की। इस स्कूटर की फिट एंड फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में यहाँ पे हमें LED हेडलाइट मिल जाती है और उसके चारों रिंग सेप में LED DRL भी मिल जाते हैं। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 60,000 रुपीज़ और कंपनी इस स्कूटर को हीरो AE75 के साथ लॉन्च कर सकती है मार्च के मंथ में। नंबर 8, गस्टो इलेक्ट्रिक। पहले लग रहा था कि गस्टो इलेक्ट्रिक सिर्फ एक रूमर स्कूटर बनकर रह जाएगी, ये इंडिया में कभी लॉन्च नहीं होगी। लेकिन बाद में महिंद्रा ग्रुप के ऑनर आनंद महिंद्रा सर ने एक ट्वीट के जरिए कंफर्म कर दिया कि इस स्कूटर की डेवलपमेंट अभी चल रही है और आगे आने वाले टाइम पे ये स्कूटर हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन इतना पता है यहाँ पर अराउंड 80 किलोमीटर तक की रेंज होगी। 4 to 5 आवर्स में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इस स्कूटर में कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि इसके ब्रेक एंड सस्पेंशन वगैरह गस्टो 125 पेट्रोल स्कूटर से लिए जाएंगे। इसकी लॉन्चिंग जून 2021 में एक्सपेक्टेड है और प्राइसिंग इसकी अराउंड 80,000 रुपीज़ होने वाली है। नंबर 7, हीरो अटारिया। यहाँ पर 250 वॉट का मोटर है, जो कि 25 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड अचीव कर लेता है, यानी कि यह भी एक लो स्पीड कैटेगरी की स्कूटर है। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बैटरी 4 आवर्स में फुल चार्ज होती है और अप टू 85 किलोमीटर तक का रेंज देती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 55,000 रुपीज़ और ये स्कूटर हमें अप्रैल मंथ में देखने को मिल सकती है। नंबर 6, सुजुकी बर्जमैन इलेक्ट्रिक। इस स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पॉट किया गया है। इसका लुक सेम टू सेम बर्जमैन 125 के जैसा होगा, बस यहाँ पे डिफरेंट कलर ऑप्शंस होंगे और एग्जॉस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें हमें 4 किलोवाट का मोटर मिलने वाला है। करीब 85 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड होने वाली है। यहाँ पर 3.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी होगी, जो कि 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगी और अप टू 90 किलोमीटर तक का रेंज देगी। परफॉर्मेंस के मामले में ये स्कूटर TVS iQube और चेतक इलेक्ट्रिक जैसे स्कूटर्स को कम्पीट करेगी। इसकी प्राइसिंग अराउंड 1 लाख रुपीज़ होने वाली है और ये इस साल के एंड तक लॉन्च हो सकती है। नंबर 5, ईवे 4 सिटी। इसे पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। यहाँ पे मोटर की कैपेसिटी एग्जैक्टली कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जर्मन ब्रांड बॉस का मोटर यूज में लिया गया है, जो कि 60 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकता है और यहाँ पे 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। इसकी बैटरी 4 आवर्स में फुल चार्ज होती है और 100 किलोमीटर तक का रेंज देती है। ये स्कूटर रेट्रो लुक डिजाइन के साथ आती है और यहाँ पे एंटी थेफ्ट अलार्म, USB चार्जिंग, कीलेस लॉक अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ये स्कूटर हमें अप्रैल मंथ में देखने को मिल सकती है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 80,000 रुपीज़। नंबर 4, इवर्व EF1। इस स्कूटर का लुक काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ पर 3000 वॉट मोटर को यूज में लिया गया है। 90 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। इसकी 4.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी 100 किलोमीटर तक का रेंज देती है और अप टू 5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। इस स्कूटर में हमें जियो फेंसिंग, जियो टैगिंग, रिवर्स असिस्ट और एंटी थिप्ट अलार्म जैसे फीचर्स मिल जाते हैं।
इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 1 लाख रुपीज और ये सितंबर मंथ में लॉन्च हो सकती है। नंबर 3, हीरो AE3 E-Strike। ये 3 व्हील्स वाली स्कूटर है जो कि सेल्फ बैलेंसिंग के साथ आती है। यहाँ पे 5500 वॉट का मोटर यूज में लिया गया है। 80 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। इसकी जो 4 किलोवाट आवर की बैटरी है वो 100 किलोमीटर तक का रेंज देती है और 3 to 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पे मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जियो फेंसिंग, जियो टैगिंग, रिमोट लॉक अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इस स्कूटर में वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का भी फीचर है। अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आप उसे बड़े आराम से इस स्कूटर में चार्ज कर सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग अप्रैल मंथ में हो सकती है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 1.5 लाख रुपीज। नंबर 2, TVS Crayon। इसे पहली बार 2018 ऑटो एक्सपो में देखा गया था। ये एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट स्कूटर है। इसमें 12,000 वॉट का मोटर यूज में लिया गया है। ये स्कूटर 16 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। 0 to 100 की स्पीड ये सिर्फ 5.1 सेकंड में अचीव कर सकता है। इसकी बैटरी 1.5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है और अप टू 80 किलोमीटर तक का रेंज देती है। इसमें TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें ब्लूटूथ और नेविगेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें USB चार्जिंग, पार्क असिस्ट, राइडिंग मोड्स जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस स्कूटर में और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 1.5 लाख रुपीस और इसकी लॉन्चिंग अक्टूबर मंथ में हो सकती है। नंबर 1, सिंपल मार्क 2। इस स्कूटर को मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ये 2021 की बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है। ये स्कूटर 0 टू 50 की स्पीड सिर्फ 3.6 सेकंड में अचीव कर सकती है, यानी कि ये स्कूटर एथर की 450X से भी ज़्यादा फास्ट होने वाली है। इसकी टॉप स्पीड है 110 किलोमीटर। रेंज के मामले में ये स्कूटर मार्केट में कंपटीशन खत्म करने वाली है। यहाँ पे हमें अप टू 260 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। ये परफॉर्मेंस सिर्फ बोलने के नहीं है। इस स्कूटर का प्रोटोटाइप भी बन चुका है जिसकी टेस्टिंग ARAI ने की है और रिजल्ट इसके काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई है। खैर, मैंने इस स्कूटर के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो देखने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 1.1 लाख रुपीस और ये हमें मई के मंथ में कंफर्म्ड इंडिया में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट ख़त्म हो जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक्स में है तो हमने इस साल लॉन्च होने वाली टॉप 10 अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर भी वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आपको इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।